अभीरा और अरमान के बीच में रूही आ चुकी है, लेकिन अभीरा को रूही के इरादों पर शक भी हो रहा है कि रूही ऐसे नहीं आई, वो कुछ बड़ा करने आई है। रोहित से उसे प्यार नहीं है, फिर भी उसे लव यू कह रही है, गले से लगा रही है। तो क्या है रूही का प्लान, किस तरह अभीरा उसे बर्बाद करेगी, चलिए बताते हैं। भाई आप तो जानते हैं स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कोई ना कोई ट्विस्ट आता ही रहता है। आज के ट्रैक में थोड़ी मस्ती होगी तो फिर थोड़ा ड्रामा भी होगा। अभीरा अपने दिल की बात अरमान से कहती हुई नजर आएगी। वो कहेगी कि अरमान मुझे तुमसे शादी करनी है, और ये सारी बातें अभीरा सबके सामने करती हुई नजर आएगी। तो ऐसा लगेगा कि रूही जो है वो भी इन बातों से इन्फ्लुएंस हो गई है और जाकर वो भी रोहित को गले से लगा लेती है। वो रोहित को गले से लगाते हुए कहती है कि रोहित मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे प्यार को समझने में देर हो गई। और रोहित उसे देखे जा रहा है। वहीं आप ये भी देखेंगे कि कैसे अरमान और बाकी के जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो सारे के सारे साड़ी पहन के आ जाते हैं और फिर मस्ती मजाक करते हैं। साड़ी पहन के जब अभीरा उनको एक्सपोज करती है तो अरमान जो है वो शर्मा जाता है। यहाँ पर कावेरी जो है वो भाई सबको बहुत डांटती है। तो यहाँ अरमान कहता है कि सबको अपनी अपनी बीवियों को देखने का मन कर रहा था, इसलिए हम लोग लड़कियों के अवतार में आ गए। अब यहाँ पर अभीरा जो है अरमान का खूब मजाक बनाती है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखेंगे किस तरह से डांस होगा, जबरदस्त डांस जिसमें अभीरा रूही दोनों डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, परिवार की जितनी भी लेडीज हैं सबके सब डांस करेंगी और फिर कहीं ना कहीं ट्रैक इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभीरा को रूही पर शक हो रहा है, रूही ने जब अरमान से ये सारी बातें कही थी कि वो यूएस जा रही है, तो फिर उसने क्यों रोहित को गले से लगाया, क्यों रोहित से कह रही है कि रोहित मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे प्यार को समझने में मुझे देर हो गई। यही बातें अभीरा को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं और सेम रोहित का भी यही हाल है। रोहित ने तो ये भी कह दिया था कि ये मेरी बीवी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अरमान से भी बहुत नफरत करता है कि इन दोनों ने मिलकर ही उससे सच्चाई छिपाई थी। वही बात करें संजय की, तो संजय जो है अरमान और रोहित की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है कि ये दोनों भाई तो दुश्मन है। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा की बात करें तो अभीरा संजय को ऐसा नहीं करने देगी। वेल आप क्या कहना चाहते हैं, अभीरा की लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करें।